करीम। जी बीबी जी। कल ही पिछले सेक्टर में डकैती हुई है, इसलिए जब तक नाम ना पूछ लेना दरवाजा मत खोलना। अच्छा बीबी। मामा चले भी, आपको तो भाई का पता है ना। हाँ हाँ चलती हूँ, आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। करीम बाबा, फरीद का फोन आया ना, तूने बता देना कि मैं आंटी की तरफ गई और भाई मुझे खुद ही ड्रॉप कर देंगे। और अरे भाई चलो ना, अभी मुझे कह रही थी और खुद पाती। चले लगता है देर हो जाएगी, मुझे भी घर से कपड़े भी चेंज करने हैं। यार बहुत देर हो गई है ना मम्मी, आपको तो पता है मेरी एक बहुत जरूरी, तो एक अजाब खड़ा कर देती हो। अजाब के मम्मी, एक बिजनेस मीटिंग है, आपको पता है वो जापानीज लोग जो है वो इंतजार नहीं करते। अच्छा सुने, पहले ये बताइए आपने वो मेडिसिन ली? ओहो इस भागा दौड़ी में बिल्कुल भूल गई। कभी खाना खाना भूली आप? इसी तरह दवा बहुत जरूरी होती है। योर हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। कहाँ पड़ी है वो साइड टेबल? कौन सी वाली? सज्जी खब्बी? खब्बी खब्बी पकड़, ये भी ले। इतनी केयर करता है, इतनी तो माँ औलाद की नहीं करती। अब देखो इसे बिल्कुल देर नहीं हो रही, अभी इतना शोर मचा रहा था। मामा ये फोन बज रहा है भाई का, मुझे तो मना किया था आप सुन लो। ला मुझे दो। हेलो हेलो, अरे भाई कोई नहीं बोल रहा, तुम ही संभालो इसे। समझ नहीं आती आप दवाओं को इतना छुपा के क्यों रखती हैं। ये लेंगे, मैंने दो निकाल लिए। थैंक यू थैंक यू। आपका फोन आया। हेलो हेलो, ओह माय गॉड, पता नहीं शायद हमारी आवाज पसंद नहीं आई है इसलिए बोल ही नहीं रही थी। ओह ओह फरीदुद्दीन, किसी दिन बहुत बुरी पिटेगी तू मेरे हाथ से, चूस नहीं बांदरी। चल बैठ। चलो ये भी साथ ही ले चलते हैं। क्या अमन? जी मम्मी। बेटा देखो बाहर तुम्हारा शायद तुम्हारी खाला और शर्जील आए हैं। जी मम्मी। वालेकुम अस्सलाम भैया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आओ बैठो बैठो। राहिला शर्जील नहीं आए? शर्जील की आज एक जरूरी बिजनेस मीटिंग थी, वैसे भी मैं उसे बिल्कुल बताना भूल गई कि आपकी तरफ आना है। जी आंटी, एन टाइम पे जब भाईजान मीटिंग के लिए निकलने लगे तो हम लोगों को याद आया कि आपकी तरफ आना है। मैंने जो शर्जील के लिए बिरयानी बनाई थी उसका क्या होगा? जब वो हमें लेने आएगा ना उस वक्त खिला लेना। नीनी फरीद कैसा है? आंटी वो बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारी सास? वो भी बिल्कुल ठीक है, मिजाज की कुछ सख्त है वो तो आपको बताई। Excuse me, मैं इधर बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, बल्कि आप ही बैठिए। अच्छा सुनो प्लीज शर्जील, एक घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ, तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे। लेकिन एक छोटी सी बात, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा देख मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैंने सिर्फ घर जाना। बैठो, अभी जितना खफा होना है वो जाना, तुम्हें क्या लगता है तुम बैठोगे तो तुम्हारा सारा गुस्सा उतर जाएगा? शर्जील तुम बहुत वो। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि जैसे ही मैं तुमसे मिलने के लिए घर से निकलने लगा, वो मम्मी ने मुझे कहा कि उन्हें खाला की तरफ जाना, और तुम जो जानती हो कि मैं मम्मी को इनकार नहीं कर सकता। मुझे पता है, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो ना भाभी को,
कितनी मुश्किल से मैंने ऑफिस में मीटिंग का बहाना करके इजाजत लिए जाने की। 100 तरह के सवाल पूछती हैं अब तो। शुक्र है सादिया का कि उसने भी फोन करके कह दिया था। पता नहीं क्यों भाभी को मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। अच्छा चलो ऐसे करो कि अभी आंखें बंद करो। जस्ट क्लोज योर आईज। बहुत सवाल पूछती है। गुड। गुलाब का फूल। एक गुलाब का फूल इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुम इससे आराम से घर ले जा सको और भाभी से छुपाकर अपने तकिए में रख सको। हाथ आगे करो। मगर यानी फिर मगर मगर दैट्स लाइक अ गुड गर्ल दैट्स इट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी। आज 22 है जी जनाब। और आज से 28 बरस पहले एक छोटी सी बच्ची जो कि चांद पर सो रही थी सोते सोते क्योंकि उसका वजन तो सोते सोते वहां से गिरी और जमीन पर एक क्रैक पड़ गया और जमीन वालों ने उस बच्ची का नाम रानिया रख दिया। नहीं शब्द चंजीव तुम बहुत वो हो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। लेकिन अब किस लिए? इस एहसास के लिए कि इस जमीन पर कोई एक है जो मेरा है, जो मुझे चाहता है। मैं अकेली नहीं हूं। वैसे ही जैसे तुम चांद पर अकेली थी और सोते सोते वहां से। चर्चिले तुम बहुत वो। अच्छा ये बताओ क्या लो। सही कह रहे हो। शाहिदा से आगे कुछ नहीं है ये बता दूं तुम्हें मैं। हाँ नहीं बात तो अभी मैंने नहीं की। रानिया? अरे रानिया क्या, उसके तो बाप की जरूरत नहीं है कि वो इनकार कर दे। अरे पगले तूने तो बात ही अब मुझसे की है। अगर पहले की होती ना तो वो अब तक तेरी बीवी बन चुकी होती। हाँ हाँ अरे छोड़ लंबी बात को, बस ये बता छुट्टी कब मिल रही है और कब आ रहे हो। हाँ मैं फौरन तुम्हारी मंगनी कर दूंगी। हाँ ठीक है ओके बाय। आज जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ बस आज कुछ ज्यादा तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ नहीं बस ऐसे ही सर में हल्का हल्का दर्द है। किसका फोन था ये? फोन नवीद का था कराची से। उसे यही समझा रही थी कि भाई शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे। हाँ और एज भी तो काफी हो गई है नवीद की। एज तो खैर अभी ज्यादा नहीं हुई उसकी, अब भी रानिया जैसी कई लड़कियों के रिश्ते आते हैं मेरे भाई के लिए। इसमें रानिया का जिक्र बीच में कैसे आ गया? रहमान रानिया का जिक्र इसलिए आ गया कि तुमने कभी सोचा है अपनी बहन के बारे में? अरे दफ्तर के बहाने घंटों घर से गायब रहती है। क्या मतलब? रानिया आई नहीं अभी तक? आई होती तो तुम्हें दिखाई न देती। ठीक है लेकिन वो तो आ जाया करती है 5 बजे तक ऑफिस से, फिर आज क्यों नहीं है? लो आ गई है, पूछो इससे कहाँ गई थी। अभी मैं आपको बता के गई थी कि मैं थोड़ा देर से आऊंगी। रानिया बीबी पूछने और बताने में बड़ा फर्क होता है। हाँ और एक बात और मेरी याद रखना कि किसी भी लड़की के बारे में अगर एक बार कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए ना तो घर में पड़े पड़े बूढ़ी हो जाती हैं, कोई रिश्ता लेके नहीं आता। अब भी वक्त है संभल जाओ। अभी प्लीज क्या बातें कर रही हैं आप? शायदा प्लीज कभी तो आपस में प्यार मोहब्बत से बात कर लिया करो। रहमान मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरी बात को मत फेरा करो, ये मेरा घर है मेरा,
और मैं अपने घर में इस किस्म की खुल्लम खुल्ला बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गए ना? खाना खाना है ना, यहाँ धो लो। यू चीट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले कैसे बताती, पहले तो मुझे भी नहीं मालूम। और तुमने भाजन को बताया? नहीं, अगर भाजन को नहीं बताओगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप जनाब मेरी भाभी बनना चाहती हैं? नहीं, बकवास नहीं करो। इसमें बकवास वाली क्या बात है? जब तुम्हारी और भाजन की शादी हो जाएगी तो तुम मेरी भाभी कहलवाओगी कि नहीं कहलवाओगी? अच्छा बस ठीक है ना। ओहो बन्नो रानी, अभी से शर्जील ने ठीक ही तुम्हारा नाम रखा है, फरीदुद्दीन। वो मैंने फोन किया था घर, तो करीम बाबा ने बताया तुम लोग यहाँ। आंटी आमना के यहाँ आए हुए। अरे फरीद बेटा तुम? सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम जी। फरीद भाई आप क्या खाएंगे, खीर बिरयानी या चिकन? नो थैंक्स अमन, एक्चुअली आंटी बहुत जल्दी मैं हूँ और वो ह्यूमन राइट्स वालों के फंक्शन से मामा को भी पिक करना है। चाय तो पीते जाओ बेटा। नहीं मामा, फरीद ठीक कह रहे हैं, अगर हम लोग को लेट हो गया ना तो मामा को इंतजार करना पड़ेगा। हाँ आंटी, वो मैंने पता करवाया है, आज की फ्लाइट 3 तारीख से शुरू होगी। हाँ आज सुबह शर्जील ने मुझे बताया। बस बेटा अब तो मेरी दो ही ख्वाहिश है, एक मैं हज कर लूं, दूसरा शर्जील के सर पर सेहरा देखूं, उसके बच्चों को खिलाऊं बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी उसे खिलाया था। बस अब बहुत वक्त हो गया। देखिए वक्त मम्मी अभी हुई कहाँ है, और दो चीजें हैं आपके लिए बहुत जरूरी, एक हमेशा खुश रहना और दूसरा रेगुलरली वॉक करना। चलें। अब तो शुगर कंट्रोल्ड है तो इसीलिए तो कंट्रोल में है। देखिए वो जो आप अपनी बहन की तरफ चली जाती है ना, अमना आंटी की तरफ, कोई ना कोई बदपरहेजी कर लेती है वहाँ पे और बीमार हो जाती है। इधर इधर आए। कहाँ आऊँ? गुड मम्मी, गुड 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 गुड। ये क्या हुआ, ये बैठ के चक्कर में गई है? हाय अब तो मेरी टांगे थक गई, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। इतना ये नॉर्मल इसीलिए हुई ना कि मैंने आंटी और नीनी को आपकी जसूसी पे लगाया हुआ। इसका मतलब है वो दोनों बल्कि तीनों तुम्हारी वजह से मुझे कुछ खाने नहीं देते। जी शर्जील बेटे तुम बहुत जालिम बेटे हो। जालिम होने में कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि आप नॉर्मल हैं। मैं तो मजाक कर रही हूँ बेटा, मेरी जान तुम जैसा बेटा तो नसीबों वालों को मिलता है। अच्छा ये मक्खन बड़ा हो गया, come on let's go back on the track, hurry up, get up, पिट हो गया, get up, yes, ओ भाई, hello, walk हो गई तेरी? हाँ हो गई walk, आज बहुत थक गया हूँ walk करके मैं। जब ये आते के साथ सो जाता है तो इसे लाते क्यों? मम्मी actually इसके बगैर मेरा गुजारा कौन, वक्त नहीं करता। आंटी मुझे तो एक बात का पता है कि दोस्त के दफ्तर में कभी जॉब नहीं करनी चाहिए। एक तो साहबजादे के दफ्तर की जिम्मेदारियां भी संभालो, ऊपर से साहब की नाजबरदारियां भी बर्दाश्त करो। आंटी लोग इतना जुल्म अपनी बीवियों पे नहीं ढाते जितना ये मुझ पे ढाता है। अच्छा खैर मजाक अपनी जगह, पता क्या मम्मी मैं सोच रहा था कि ये जो कनाडा वाली प्रेजेंटेशन है
इसके लिए अगर वही साहब की जगह मैं सलमत को भिजवा दूं तो... ओ शर्जील मेरी जान, I love you। अच्छा, कह रहा था कि ये आंटी, आंटी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, यकीन करें कि इससे काइंड आदमी मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। सिंसियरली आपका बेटा बिल्कुल हतम था। नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत जालिम किस्म का आदमी हूँ भाई, नाज बर्दारियां उठवाता हूँ ना तुझसे। नहीं नहीं, मेरे मेरी बात सुनो। यू नो आंटी शर्जील, I love Canada. Oh. You love Canada? Oh. You really love Canada? I know. आ जाओ फिर चलें। जाग जाओ, जाग जाओ। जाके दांत साफ करेंगी, उठे प्लीज। नीनी तुम्हारी मम्मी हज पे कब जा रही है? मामा वो टिकट्स कुछ लेट हो गई, 5-10 दिन में चली जाएगी। अच्छा, जब प्रोग्राम फाइनल हो जाए तो मुझे बताना, मिलने जाऊंगी मैं। जी जी। आज हॉस्पिटल से जल्दी आ जाऊंगा, डिनर बाहर करेंगे, तैयार रहना। मामा से पूछ लिया आपने? मामा ने खुद ही तो कहा था कि अगर हम लोग चाहें तो सैटरडे का डिनर बाहर कर सकते हैं। अरे हाँ, आज तो सैटरडे है। I'm back. हम जीना को भी साथ ले जाएंगे। भाईजान मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे रानिया जरा सुनो। जी बेटा, कोशिश करना घर जल्दी आ जाना। कोशिश वोशिश नहीं, इसे शाम को 5 बजे घर होना चाहिए। हाँ वही वही, 5 बजे तक। जी भाईजान। बात की उससे तुमने? बात? कौन सी बात? रहमान, ये जो तुम्हारा खामखा का फूलपन है ना, जहर लगता है मुझे। नवीद से निकाह वाली बात और कौन सी बात? ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया, लेकिन अभी कल रात ही तो तुमने मुझसे बात की है, कर लूंगा। मगर शायदा, शायदा से आगे और कुछ नहीं। रात को समझा दिया था, तू बता दिया था कि कोई अगर मगर नहीं चलेगी। भाई सीधा सीधा अपनी बहन को बताओ कि उसकी मंगनी नवीद से तय कर दी है, समझ गए ना? लेकिन शर्जील यार, ये जो जिन नजरों से तू मुझे घूरता है ना, मैं इससे बहुत तंग हूं। अगर तूने मुझ पे इस तरह रोक जमाना ना, मुझे नहीं करनी इस ऑफिस में जॉब। देख ऑफिस का डिसिप्लिन भी कोई चीज है कि नहीं, उतर जा। अच्छा अच्छा, लेकिन अब मुझसे ये तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हें सर सर कह के मुखातिब करूंगा। अच्छा काम की बात कर जल्दी से। ये रहे आंटी के टिकट्स। गुड, लवली, थैंक यू सो मच। आंटी से कहना मेरी शादी के लिए खुसूसी दुआ करें। यार, एक बात है, ये जो सादिया है रानिया की सहेली,
इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो उसे शादी के लिए रजामंद हो जाएगी? वो ऑफिस आएगी ना तो खुद ही पूछ लेना उससे। ठीक है, उससे पूछ लेंगे। अच्छा, ये तुमने रानी को किस तरह सेट, मेरा मतलब है कि जब तुम उससे पहली दफा मिला था तो तुमने उससे क्या कहा था? खासे उल्लू के पट्टे हैं। हाँ वो तो ठीक। क्या, चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन मेरी बात सुन, कि जब भी मैं ऑफिस आता हूँ तो मुझे पट्टा पट्टा कहता है। तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूं मैं, सैकड़ों काम करने होते हैं मुझे, जा रहा हूं। ये घर बात करवाइए। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। जी मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक। मम्मी ये बताइए कि आपने दवाई ली है कि नहीं? 4 बजे खानी थी आपको दवाई। अच्छा खैर, फिक्र करने की जरूरत नहीं आपको, मैं आपको फोन करके खुद ही याद करवा दूंगा। अच्छा हाँ, वो आपकी सीट कंफर्म हो गई है। जी हाँ, 3 तारीख से हज फ्लाइट शुरू हो रही है और 5 तारीख को आपकी फ्लाइट है। तैयारी कीजिए हज की इंशाल्लाह। बाकी बातें घर आके कर। ओके मम्मी, खुदा हाफिज़। हाँ हाँ वो तो ठीक है। नहीं नवीद, रहमान का कोई ऑफिस का काम निकल आया था। हाँ, परसों वापसी है उनकी इस्लामाबाद से। अरे छोड़ो, रानिया से तो मैं बात ही नहीं करना चाह रही। अरे बात क्या करनी, उसे तो सिर्फ बताना है ना। हाँ हाँ, नहीं तुम मुझे ये बताओ कि तुम 2 दिन की छुट्टी लेके कब तक आ सकते हो? 25। ओके डन। अरे पगले, बाकी सारे मामलात मुझ पे छोड़ दो। अरे मैं देखती हूँ किसमें इतनी जुर्रत है कि मेरे आगे कोई इनकार कर सके। अरे शाहिदा से आगे और कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। ओके ओके, गुड बाय। मम्मी, आपकी शुगर की रिपोर्ट देख के डॉक्टर अजमल पता क्या कह रहे थे कि जितनी इम्प्रूवमेंट मैंने आपकी रिपोर्ट में देखी किसी पेशेंट में नहीं देखी। ले ना। हाँ लेकिन सबके पास इतनी केयर करने वाले बेटे भी तो नहीं होते। I love you, mommy. And I will really miss you. अब 8 सुबह जा रही है ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मान से अगर आप इस मुकद्दस काम के लिए ना जा रही होती तो शायद मैं आपको रोक लेता, और फिर ये मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम्स हैं ये ना होती तो मैं आपके साथ जरूर चलता। अरे पागल, कुछ ही दिनों की तो बात है, कौन सा मैं सारी उम्र के लिए जा रही हूँ? कभी आपसे दूर रहा नहीं ना, इसलिए इतना फील कर रहा। अच्छा अच्छा, आप जाके सो जाओ, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाना है। अच्छा, ये आप खा लीजिए। हाँ शर्जी, तुम्हें अमन कैसी लगती? अमन क्या मतलब? अरे भाई मतलब ये ही कि तुम्हें अमन कैसी लगती है। अभी मैं आपकी बात का मकसद समझा ना। अच्छा तुम जाके सो जाओ, मैं हज से वापस आकर तुम्हें समझाऊंगी। पागल कहीं का, कहता मैं समझा ही नहीं। अमन अमन, देखो कौन मम्मी आया है। भाई बाहर बहुत ही गर्मी थी, सर्दी खरीद कर तो बहुत बाहर हो गया। जीती रहो, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों 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 भाई क्यों? कितने दिनों के बाद आए आप, कितना याद करते हो ना, लेकिन आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है। ख्याल क्यों नहीं भाई, तुम्हें पता नहीं अपनी चची का,
वो जितनी हलीमी तबा नजर आती है ना उतनी है नहीं वो। लेकिन चाचा फिर भी बस भी करो अमन। असल में एक बात और भी है बेटा, ये जवानी और बुढ़ापा दोनों एक से होते हैं। ये बीच के 8-10 साल ना तुम्हारी चची ने हमें बड़ा इग्नोर किया रखा, अब अचानक तब्दीली आई है, पता नहीं कोई डरावना सा ख्वाब देख लिया, हर वक्त हमें अपने सामने देखना चाहती है। चाचा जान आपको मालूम है पापा की बात वो सिर्फ 3 बार हमारे घर आई है। अमन कहने दे भाभी, बच्ची ठीक ही तो कह रही है। बेल भी बोल बैंगनों की हाँ जी 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 हम बोल रहे हैं बेटा। हाँ बस सिर्फ प्याज लेने बाकी रह गए, बाकी सारी चीजें खरीद ली। आज मार्केट में रश बहुत ज्यादा। वो तो बताओ तो नहीं नहीं वो एक साइड पे है ना, पर हटकर मैं बात कर रहा हूँ। शोर की आवाज नहीं यार, अभी सुन लिया ये सुनील मैं फोन का मुंह उधर करता हूँ। अब यकीन आ गया ना आपको? जी जी मैं फौरन आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। एक तो इस मोबाइल है ना, शोहरों का बेड़ा हर करके रख दिया है भाई, 2 मिनट के लिए भी अपनी बेगम से दूर नहीं भाग सकते। ये औरतों ने साजिश की है मर्दों के खिलाफ। लो भैया मुझे लो। अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? अब बैठे तो बेटा, हमें सलामत देखना चाहती हो तो मत रोको। अरे भाई साहब चाय तो पीकर जाओ। चाय पीने के लिए मैं रुक गया तो मेरी क्या बन जाएगी? अच्छा चाची जाना संजय को सलाम कहिएगा। हाँ हाँ मैडम। ये भाई साहब ये अजीब चीज है। रानिया बेटा, हमने नवीद से तुम्हारी मंगनी तय कर दी है। क्या नवीद से मंगनी तय कर दी आपने मेरी? भाईजान आप जानते हैं उसे, वो एक मकरूह शख्स है, इतनी बड़ी उम्र का। ठीक है भाईजान, मैं आपकी सगी बहन नहीं हूं, लेकिन हमारा बाप तो एक था। मैं आपकी सौतेली बहन सही, लेकिन मैं हूं तो आपकी बहन। आप नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें अपनी सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। रहमान रहमान, 25 तारीख फाइनल की है तुम्हारी खबर। से तुमने मुझे इस किस्म के वाहियात मजाक करने के लिए यहां पे बुलाया? मैं सीरियस हूं शर्जील, मैं बहुत परेशान हूं। तुम नहीं जानते भाभी और उनके भाई नवीद को। देखो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं पता है कुछ भी हो सकता है। प्लीज शर्जील मुझे निकालो इस अजाब से, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो रानिया, प्रॉब्लम यह है कि मम्मी यहां पे नहीं है। मुझे नहीं पता है, कुछ करो। तुम्हारे भाईजान से बात करूं? नहीं, जब तक तुम कोई ठोस कदम नहीं उठाओगे कोई फायदा नहीं होगा। इस साल तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। फिर ऐसा करते हैं कि मम्मी वापस आ जाए। तुम अपनी खाला से बात कर लो। जर्जी सिर्फ कल का दिन है हमारे पास, उसके बाद प्लीज कुछ करो शकील, प्लीज खुदा के लिए। रहमान
ये लाई हूँ रानिया के लिए, देखो। अरे खोल के देखो ना, कितना अच्छा है। अरे रंग कितना अच्छा है, देखो। शायदा तुम ठीक नहीं कर रही हो, किसी यतीम बच्ची के साथ इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए। तुम तो जब भी बोलते हो ना, मुंह से जहर ही उगलते हो। अरे मैं कोई जालिम औरत हूँ जो तुम्हारी यतीम बहन के साथ जुल्म करूंगी? अरे मैं तो उसके भले के लिए सब कुछ कर रही हूँ। और फिर अब तो बहुत देर हो चुकी है, सारी मंगनी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रहमान, वो जो मैंने तुम्हें कल लिस्ट दी थी सामान की, खुदा के लिए वो लेते आना, कहीं मेरी लोगों में बेइज्जती मत करवा देना। मामा तो यहीं पे है, लेकिन आप कैसे रास्ता भूल पड़े? अमन, एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आंटी से एक बहुत जरूरी बात करनी है। Are you okay? हाँ, I'm fine, perfectly alright. एक्चुअली मुझे आंटी से बहुत जरूरी काम है। मम्मी तो सो रही है। अच्छा, इतनी जल्दी सो गई? असल में उनके सर में दर्द था, बल्कि मेडिसिन लेके सोई हूँ। आप कहीं तो जगा दूँ? नहीं, हाँ उठा दो, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। खैरियत तो है? हाँ, प्लीज उठा दो, मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। नहीं, ठहरो, मैं चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। शिवजी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पता सादिया, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि शर्जील को बताया तुमने? मुझे तो खुद कल पता चला है, बताया मैंने उसे। फिर क्या? वो भी बहुत परेशान है सादिया। मसला ये है कि शर्जील की अम्मी यहाँ नहीं है, अगर आंटी इधर होती तो। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, शर्जील आंटी से फोन पे बात कर ले। शर्जील अपनी माँ से पूछे बगैर सांस भी नहीं लेता, पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं शर्जील से बात करती हूँ। नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहना, मैंने उससे बात की है, वो अपनी खाला से बात करेगा। ओके ओके। बात तो हो सकती है फोन पर, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि आंटी को यहां से इस वक्त समझाना और फिर उनके, आई डोंट नो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुझे एक बात का पता है, आंटी को डायबिटिक और हार्ट का प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूं। सुनो, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख, कुछ भी हो जाए, मंगनी तो आखिर मंगनी होती है, शादी तो नहीं हो रही ना। हाँ, लेकिन देखना, अगर मम्मी को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप?
जी हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, कोई भी तो बात नहीं है ऐसी। आपको ऐसे ही फोन पे लग रहा होगा। नहीं नहीं, मेरी आवाज में अभी भी वही कनक है मम्मी। हाँ 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 जी, बिजनेस आंटी नीनी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है मम्मी। बात दरअसल ऐसा कोई भी नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही हैं। अच्छा छोड़िए ना ये सारी बातें, ये बताइए कि क्या हाल है आपका, मेडिसिन आप प्रॉपरली ले रही हैं? और हाँ वो प्लीज शुगर रेगुलरली चेक करवाइएगा अपनी। और वो नईम अंकल ने जिस हार्ट स्पेशलिस्ट का आपको बताया था उसे चेक करवा लीजिएगा, मिस ना कर दीजिएगा। मी टू मम्मी, आई रियली मिस यू मम्मी, बहुत मिस कर। बस जल्दी आ जाइए। जी मम्मी, अल्लाह हाफिज। अरे नवीद, तुम तो ये बात आज कर रहे हो, मेरे जहन में तो बहुत पहले से थी। तुम फिकर मत करो, कल ये हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, काजी का और दूसरे सारे इंतजामात मैं खुद कर लूंगी। हाँ बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं रहमान को भी ऐन निकाह के वक्त बताऊंगी कि मैंने सोचा नहीं क्या करनी, निकाह ही कर लेते। हाँ अरे छोड़ो, रानिया की क्या मजाल है जो वो इनकार करे।